किसका चुनाव? और ये झारखंड बनने के बाद एक ऐतिहासिक दिन है, जो आज 1932 और ओबीसी 27% का जो फैसला हुआ है कैबिनेट में, ये बहुत ही बड़ा यहाँ के लिए, झारखंडियों के लिए खुशी का दिन है। और हम समझते हैं कि हम लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा करने वाले हैं। जितने लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा करते थे, लगा कि जो हम लोग का स्टैंड था 1932 का, आज हम लोग का ये पूरा हुआ है। ये मामला लोग समझते थे कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बन कर रह जाएगा, दूसरे पार्टी लोग और ये ओपोजिशन विशेषकर बीजेपी समझता था ये एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि एक रियलिटी था। और उस रियलिटी को आज कल का कैबिनेट में करके दिखा दिया कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एक स्टैंड था, मैनिफेस्टो भी था, इलेक्शन मैनिफेस्टो भी, इसको एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। और यहाँ के लोगों के हित के लिए जिस पर्पज़ से झारखंड बना था, ये पर्पज़ आज पूरा हुआ है कि झारखंड किस लिए बना, किसके लिए बना। और लग रहा था कि झारखंड ऐसे ही बन गया, और झारखंड के लिए, झारखंड को, झारखंडियों को इससे कोई फ़ायदा नहीं है झारखंड बनने से, लेकिन आज पता लग रहा है कि झारखंडियों को असली फायदा हुआ है। और जो चीज़ मिलना था आज झारखंडियों को आज मिला है, इसलिए आज का दिन ये जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी, झारखंडियों के लिए भी और तमाम यहाँ के लोगों के लिए कि ओबीसी और मूलवासी आदिवासी सारे लोगों को एकजुट किया है इससे, और जो असलियत जो झारखंड का एक मुद्दा था, वो मुद्दा आज पूरा हुआ है। इसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी है, पूरे राज्य को बहुत ही खुशी है। और इससे यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को एक आशा की किरण अभी बनी है कि यहाँ के जितने भी बेरोजगार नवयुवक नवयुवती हैं, उन लोगों को नौकरी की आसार उम्मीद बढ़ी है और ये होगा। सरकार जो है पीएचडी धारी धारक पीएचडी धारण कर लिए हैं, ये सब दिखा के अब लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, ओपोजिशन का कहना है, ओपोजिशन को विरोध करना है। वही लोग बोलते थे 1932 हाउस में भी बोलते थे, ओबीसी आरक्षण का बात में एक रोज एडजर्न भी किया हाउस उन्होंने, और जब हो गया तो कुछ कहना के लिए चाहिए उनको, जबकि उनको भी बहुत लोगों को जो यहाँ के हैं उन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। इसलिए ओपोजिशन को विरोध करना है तो विरोध करने के लिए वो विरोध करता है। पार्टी को कितना इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाला समय में जिस तरह से आसार राजनीतिक परिदृश्य बन, देखिए पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि सबको हम लोग मिला दिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासी सारे लोग एक साथ हो गए, तो निश्चित रूप से एक समीकरण बड़ा ज़बरदस्त बना है, और निश्चित रूप से ये पार्टी को विशेष फायदा मिलेगा। मैंने बीजेपी का बोलती बंद कर दिया, बीजेपी का और जो भी राजनीति इसको समझ रहे थे, राजनीति कर रहा है लोग, सबका राजनीति खत्म हो गया। वो तो ऑटोमेटिकली निरस्त होना चाहिए, लेकिन टेक्निकली अगर हो तो निरस्त हो जाएगा, अगर नहीं भी निरस्त हुआ है तो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि जब नया चीज़ लेटेस्ट कोई भी डिसीजन होता है तो पुराना निरस्त अपने आप स्वतः हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से वो निरस्त होगा, क्योंकि वो तो अब अस्तित्व में रहेगा नहीं, अस्तित्व में दूसरा चीज़ जब आ गया उसके स्थान पर तो निश्चित रूप से पुराना समाप्त हो जाएगा। तो ये तो फिर केंद्र सरकार के पास जाएगा नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, तो आप लोग तो पाला गेंद जो है सो केंद्र सरकार के पाले में फेंकते हैं। नहीं, केंद्र सरकार में वो आरक्षण वाला जाएगा ना, 1932 हमको नहीं लगता है कि जाएगा।